Where are you from? I'm from Hungary. Hungary. आपके कन कन में जो है भगवान कृष्ण के लिए प्यार बसा हुआ है. हरे कृष्णा निताय गौर हरि बोल. बढ़ती टेक्नोलॉजी और सबसे आगे निकलने की चाह में इंसान बहुत कुछ पीछे छोड़ा है. ना अपनों का साथ है, ना मिट्टी की वो सौंधी सी खुशबू, पर एक गांव ऐसा भी है जहां वही पुराना सनातन कल्चर लौट आया है. इस गांव में खेती बैलों से की जाती है, बच्चे मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृति सीखते हैं. पर कहां है ये गांव? क्या सच में सतयुग की शुरुआत हो चुकी है? क्या है इस गांव की कहानी? चलिए जानते हैं. 1980 का वो दौर आज भी लोगों को खूब याद आता है. हाथों से कपड़ों पर कढ़ाई बनाई, बैलों से खेती, हल चलाना, महिलाओं के बालों में गजरे की महक, खिल खिलाती मुस्कान, पारंपरिक साड़ी, हाथों में फूटते मेहंदी के बूटे, सुबह सुबह मंदिरों में बजती घंटियां, त्योहारों पर मस्ती मजाक और हर दिन रात को बैठकर गप्पे मारना, ये वो वैल्यूएबल समय था जिसे हर कोई वापस लाना चाहता है. और एक गांव ने ऐसा कर भी दिखाया है. बस फर्क यह है कि ये गांव अपने भारत में नहीं बल्कि हंगरी में है. जी हाँ दोस्तों, मध्य यूरोप में बसे हंगरी देश का एक छोटा सा गांव है जहां सनातन की वही खुशबू लौट आई है. इस गांव के बारे में जानकर हर हिंदू का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा. आपको अपने धर्म अपने कल्चर पर गर्व होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मध्य यूरोप में बसा हंगरी देश वैसे तो क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन इसी देश का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे कृष्ण वैली यानी कृष्णा घाटी, नया ब्रजधाम और इंडियन कल्चरल सेंटर जैसे नामों से जाना जाता है. लेकिन इस गांव का असली नाम कृष्णा घाटी ही है. 660 एकड़ जितने एरिया में फैले इस गांव को देखकर आपको लगेगा कि सतयुग की शुरुआत हो चुकी है. सतयुग में जो सच्चाई, जो धर्म, जो आस्था नजर आती थी वो सब इस गांव में देखने को मिलती है. यहां रहने वाला एक एक इंसान सनातन धर्म का पालन करता है. इस गांव में रहने वाली महिलाएं वेस्टर्न कपड़े नहीं बल्कि पारंपरिक साड़ियां पहनती हैं. वहीं पुरुष धोती कुर्ता जैसे पारंपरिक सनातनी कपड़े धारण करते हैं. रोज सुबह गांव में बने मंदिरों में आपको हरे कृष्णा और जय श्री राम के जयकारे सुनाई देंगे. वीकेंड पर ये लोग टीवी, फिल्म या इंटरनेट पर समय बिताने की जगह प्रभु श्री राम और राधा कृष्ण की भक्ति में डूब जाते हैं. दुनिया भर में खेती के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और केमिकल्स का यूज किया जा रहा है, लेकिन हंगरी का कृष्णा घाटी एकमात्र ऐसा गांव है जहां बैलों से खेती की जाती है. यहां लोग हल चलाते हैं और फसलों को केमिकल से आजाद रखते हैं. इतना ही नहीं, ये हर वो काम करते हैं जो प्राचीन सनातनी संस्कृति का हिस्सा है, जैसे कोलू से तेल निकालना, गेहूं को पीसना यानी उन्हें फटक कर साफ करना, खल्लड़ में मसाले पीसना, अचार पापड़, यहाँ हर चीज प्राचीन सनातनी कल्चर के हिसाब से तैयार की जाती है. इस गांव में आयुर्वेदिक सेंटर्स भी हैं, जहाँ लोगों का इलाज आयुर्वेदिक तौर तरीकों से किया जाता है, फिर चाहे बीमारी कितनी ही छोटी हो या बड़ी. खास बात यह है कि गांव में रहने वाला एक एक इंसान बहुत हेल्दी है, बीमारियों से दूर है. इस देश में स्कूल भी हैं जिन्हें देखकर आपको पुरानी पाठशालाओं की याद आ जाएगी. इन स्कूल्स में बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कृत भाषा भी सिखाई जाती है ताकि वो रामायण और भगवत गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन कर सके. खास बात तो यह है कि बच्चे स्कूल माथे पर तिलक लगा के जाते हैं क्योंकि तिलक सनातन का सबसे जरूरी हिस्सा है. इतना ही नहीं, यहाँ गौशालाएं भी हैं जहाँ गायों को अच्छे से रखा जाता है और बच्चे स्कूल आने के बाद गांव में बनी गौशालाओं में जाकर गाय माता की सेवा करते हैं. हंगरी की सरकार की माने तो ये गांव किसी भी तरह से देश की मदद नहीं लेता है, ये सब कुछ खुद से प्रोड्यूस करते हैं. और ये गांव हंगरी का पूरी तरह से इंडिपेंडेंट गांव है जहां घरों में बिजली के लिए सोलर पैनल्स लगाए गए हैं ताकि उन्हें बिजली के लिए भटकना ना पड़े. पानी के लिए कुएं और समरसेबल भी इस गांव में मौजूद हैं. यहां कोई किसी से झगड़ा नहीं करता है, सब मिलजुल कर रहते हैं. कुल मिलाकर ये गांव सच्चा सनातन गांव है जिसे देखकर बिल्कुल लगता है कि सतयुग की शुरुआत शायद यहीं से हो चुकी है. आपको यकीनन जानता हूँ, पढ़ा ही होगा, लेकिन पूरे हंगरी में जितने लोग घूमने आते हैं उसमें एक तिहाई ज्यादा हिस्सा हर साल कृष्णा घाटी गांव को देखने के लिए आते हैं और यहाँ लोगों के साथ हरे कृष्णा जपते हैं. गांव में एक अलग ही शांति महसूस होती है. पारंपरिक कपड़े, पारंपरिक खाना, रीति रिवाज, सब कुछ पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है. और खुद हंगरी की सरकार भी इस बात को मानती है कि पूरे हंगरी में जितने लोग घूमने नहीं आते उससे भी ज्यादा सिर्फ कृष्णा घाटी गांव में पहुंचते हैं.
लेकिन अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये चमत्कार हुआ कैसे, इस गांव की नींव आखिर रखी किसने। तो दोस्तों आपके सवाल का जवाब है 1993। दरअसल यही वो साल था जब इस गांव की स्थापना की गई थी, यानी आज से ठीक 30 साल पहले। और इस गांव की स्थापना का श्रेय जाता है शिवराम स्वामी जी को। शिवराम स्वामी जी एक सच्चे सनातनी संत हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के लिए हर सुख हर समृद्धि और फिजिकल सुविधा को ठुकरा दिया और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में लग गए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बचपन में स्वामी जी का हिंदू धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। इनका जन्म हंगरी की कैपिटल सिटी बुडापेस्ट में 1949 को हुआ था। इनके परिवार में कोई ऐसा नहीं था जो सनातन धर्म से प्रभावित हो या इस धर्म के बारे में ABCD भी जानता हो। स्वामी जी भी क्रिश्चियन ही थे, लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत कुछ बदल देता है। ऐसे ही शिवराम स्वामी जी के साथ हुआ। साल 1989 की बात है जब स्वामी जी लंदन में आए और यहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भगवद गीता सुनी। इसी से इंस्पायर होकर इन्हें इस्कॉन ज्वाइन करने का मन हुआ और ये बिना देरी किए हुए इस्कॉन के साथ जुड़ गए। इस्कॉन में रहते हुए इन्होंने हिंदू धर्म की हर बारीकी को समझा। सनातन धर्म क्या कहता है, इसके धर्म ग्रंथ क्या है, सनातन धर्म की प्राचीन परंपराएं क्या थी, सब कुछ अध्ययन किया। और इनके दिमाग पर हिंदू धर्म की ऐसी छाप पड़ी कि इन्होंने सनातन धर्म को अपनाने का मन बना लिया और सभी सुख सुविधाओं को छोड़कर एक साधु की तरह जिंदगी बिताने लगे। स्वामी जी ने वेद पुराण उपनिषद रामायण महाभारत का अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन सभी ग्रंथों से हटकर शिवराम स्वामी जी श्री कृष्ण की भगवद गीता से सबसे ज्यादा इंस्पायर थे। इन्होंने ही भगवद गीता को हंगरी भाषा में कन्वर्ट किया ताकि हंगरी के लोग भी सनातन धर्म को पहचान सके और 1993 में कृष्णा वैली गांव की स्थापना कर दी। धीरे धीरे लोग भी इनके प्रवचनों भजनों और हंगरी में लिखी भगवद गीता से इंस्पायर हुए और देखते ही देखते यूरोपियंस लोग इस गांव में आकर बसने लगे और सनातन धर्म को अपनाने लगे। शिवराम स्वामी जी ने निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद की और हिंदू धर्म को आगे बढ़ाया। उनके अच्छे कामों के चलते 2009 में हंगरी के तत्कालीन उच्च शिक्षा और विज्ञान के तत्कालीन राज्य सचिव पेरोली मनोरज ने स्वामी जी को गोल्ड कॉस्ट ऑफ मेडल से सम्मानित किया। बता दें कि ये पुरस्कार हंगरी का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है जो उत्कृष्ट कार्य करने वालों को दिया जाता है। स्वामी जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हंगरी का कृष्णा घाटी गाँव पूरे हंगरी में सबसे फेमस है। आंकड़ों की माने तो इस गांव में हर साल 30,000 से भी ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं और ये गांव हर साल पूरे हंगरी से एक तिहाई ज्यादा कमाई करता है। आज हंगरी में कृष्णा वैली गांव का ट्रेंड इतना ज्यादा है कि सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं आते हैं। इस देश में हिंदू त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब इस गांव को स्थापित किया गया था तब इसका कुल क्षेत्रफल 110 एकड़ था, जो आज 600 से भी ज्यादा हो चुका है। यानी ये गांव लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए अब हंगरी की सरकार भी इस गांव को पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है और इस गांव को प्रमोट करने में लगी हुई है। वैसे दोस्तों आपको ये गांव कैसा लगा? आपको नहीं लगता कि ऐसा ही माहौल हमें हमारे देश में बनाना चाहिए? हमें भी हमारी पुरानी संस्कृति को एक बार फिर वापस लेकर आना चाहिए। शाम होते ही वो गपशप की मंडलियों को दोबारा सजाना चाहिए। अपनी राय हमारे साथ कमेंट में शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।